करेंगे सर के लिए। सो थैंक यू वेरी मच सर। बेटा कुछ बातें ऐसी होती हैं लाइफ में जो कभी नहीं भूली जा सकती। सो दिस इज वन ऑफ द सेशन यू हैव अटेंडेड टुडे। और जो बातें बेटा कही है ना आपको, जो सर ने बोला कि चार कान हैं, तो आपने सारा पूरे का पूरा सेशन चार कानों से सुना है। ऐसे ही जितने लेक्चर्स लगते हैं आपने सारे लेक्चर्स चार कानों से सुने हैं। फॉर एग्जाम्पल मैं अभी सुबह जब मैं आया मॉर्निंग में, तो वी आर बोदर्ड अबाउट द स्ट्रेंथ ऑफ द स्टूडेंट्स इन प्लेसमेंट ड्राइव। द कंपनी इज कमिंग हुज पैकेज इज 12 लाख रुपीज। 12 लाख का पैकेज है, बाइजू कंपनी है जो आज आई हुई है कॉलेज में। सो वी आर नॉट बोदर्ड अबाउट द कंपनी, वी आर बोदर्ड अबाउट द स्ट्रेंथ ऑफ द स्टूडेंट्स इन द प्लेसमेंट ड्राइव। तो हम बच्चे ढूंढ रहे हैं बेटा, बच्चे ये ड्राइव जो हो रही है प्लेसमेंट ड्राइव आपके लिए हो रही है, और जो कंपनीज आ रही हैं ये हमारे लिए नहीं आ रही है, बच्चों के लिए आ रही हैं। सो जितने मैक्सिमम बच्चे हैं उसमें पार्टिसिपेट कर सकते हैं, वेदर दे आर एट एनी स्टेज, ऑल कैन पार्टिसिपेट। हमने ये भी बोला था कि वेदर द स्टूडेंट्स आर फ्रॉम मैकेनिकल, कंप्यूटर साइंस, इलेक्ट्रिकल, इलेक्ट्रॉनिक्स, ऑल आर एलिजिबल। ठीक है, तो काफी सारे बेटा आपको मैसेज दिए हैं, बहुत सारी सर ने बातें कही हैं आपको, और आपने इसको अपनी लाइफ में लेके आना है। सो दैट इज द आर्ट ऑफ लिविंग। सो आर्ट ऑफ लिविंग मीन्स आपने रहना कैसे है। सर ने आपको बड़ी बड़ी बातें दी हैं कि पैसा सब कुछ नहीं है, आपने जीना कैसे बेटा। हमें अभी भी याद है कि अगर हमें अभी भी कोई टीचर मिलता है ना अपना, चाहे हमें 10वीं में पढ़ाया है, 5th में पढ़ाया है, चाहे उसकी क्वालिफिकेशन हमसे कम है, बट अभी भी हम पैरियत लगाते हैं। अब मैं ये नहीं कहूंगा कि मैं डॉक्टरेट हूं, मैंने PhD कर ली, मैंने कंप्यूटर साइंस में कर ली, है ना। टीचर इज टीचर, चाहे मैं किसी भी लेवल पे हूं, वो टीचर है, मैं डायरेक्टर हूं, बट स्टिल अगर हमें अभी भी कोई टीचर मिलता है, हमें पेरेंट्स मिलते हैं, हम उनको तैयार करते हैं। सो ये प्रैक्टिस आपने अपनी लाइफ में शुरू करनी है। सर ने आपको बताया गर्ल्स ने हग करना है पेरेंट्स को, ठीक है, तो ये आपने अपनी लाइफ में लेके आनी है। बिकॉज अभी जैसे मुझे नहीं पता, मुझे जो लग रहा है कि हम जैसे जब हमने सेशन जब शुरू किया था, बिफोर द सेशन हम सर ने ये लेवल बताया आपको बेटा। तो इंटेलिजेंस इज वन थिंग, आप बुक्स पढ़ लोगे, ठीक है, बट इंटेलिजेंसी के बाद आप यहाँ पे होंगे, यहाँ पे होंगे। तो हमने इंटेलिजेंसी को लेके इस लेवल पे आना है, और इस लेवल से हटके हमने SQ पे जाना है। सो पहले तो हमने इस लेवल पे काम करना है, तभी हम इस लेवल पे आएंगे। और जब भी कोई बेटा सेशन होता है, तीन चीजें आपको मैसेज देते हैं। द वन इज रेड कलर। रेड कलर मींस आपने ब्लड को क्या करना है, डोनेट करना है फॉर द सोसाइटी। सेकंड वन इज ग्रीन, आपने एनवायरनमेंट को क्या करना है, सेव करना है। एंड द थर्ड वन इज आपने पानी को बचाना है, ब्लू। बेटा अगर तीन चीजें अगर आपने बचा ली, ठीक है, तो आप अपने बच्चों के लिए जब आपकी मैरिजेस होंगी, आप उनके लिए एक अच्छी लाइफ देके जा रहे, ठीक है। अदरवाइज क्या होगा, कल एक पिक्चर रिलीज हुई थी, मैं कल वीडियो देख रहा था, तो आने वाले टाइम में आपको ऑक्सीजन, सभी ऑक्सीजन लगा के चल रहे होंगे। जो हालात हैं आजकल आपने देखा होगा,
क्वालिटी लेवल जो एयर का है दिल्ली में देख लो, गुड़गांव में देख लो, इनफैक्ट पंजाब में भी सेफ लेवल नहीं है। 175, 170, 188 in between, 152, 200, it is moderate level. It is not a good level. जो एयर क्वालिटी इंडेक्स है, it can be less than 100. 100 से कम होना चाहिए। So that means अगर हम आज 188 पे हैं, तो आप देख लो गुड़गांव में 400, more than 400, at a danger level. So सभी बच्चे बेटा प्लांट लगाएं अपने घरों के आसपास लगाएं, पानी को बचाएं। जैसे हमने बोला कि मैं सारा पानी पी के जाऊंगा, पानी वेस्ट नहीं करना बेटा, और हमने अपना ब्लड क्या करना है, डोनेट करना है। जब भी कोई ब्लड कैंप लगते हैं तो आपने वहां पे ब्लड डोनेट करना है। और सबसे मैंने रिक्वेस्ट की थी कि हमें कुछ आप लिटरेचर दीजिए बच्चों के लिए, सर कुछ लेके भी आए हैं, और हम एक लाइब्रेरी में एक सेक्शन बनाने जा रहे हैं इन द सेंट्रल लाइब्रेरी, वन सेक्शन डेडिकेटेड फॉर द दीज वैल्यूज, स्पिरिचुअल वैल्यूज। अब वहां पे जाके पढ़ सकते हैं, 15 मिनट 20 मिनट आपके लाइब्रेरी लेक्चर्स होते हैं, सेस होती है, जब भी आपको टाइम लगे आप आइए। सर ने आपको बोला साइंस पार्ट आपने शुरू करना है, ठीक है, और ये तीन चीजें आपने क्लास में जरूर पूछनी है। अदरवाइज आप कौन सी कैटेगरी में हो, एनिमल्स। सो वंस अगेन विद दिस वर्ड सर, थैंक यू वेरी मच एंड